हेलो दोस्तों, मैं हूं परवेज। माय हिंदी ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आपको फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे .NET फ्रेमवर्क क्या है और .NET फ्रेमवर्क को कंप्यूटर पर कैसे डाउनलोड करते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपने कंप्यूटर के लिए .NET फ्रेमवर्क डाउनलोड करनी है तो आप इस वीडियो को देखकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, .NET फ्रेमवर्क एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है हर एक विंडोज़ के लिए अलग अलग तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप विंडोज 7 यूज़ करते हैं तो आपको .NET फ्रेमवर्क 2 या फिर 3.5, अगर आप विंडोज 8 यूज़ करते हैं तो आपको 4 या फिर 3.5, अगर आप विंडोज 10 यूज़ करते हैं तो आपको 4.5 या फिर आपको 4.7a, इस तरह के वर्जन को आपको इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों, अभी सवाल है .NET फ्रेमवर्क क्या है। तो दोस्तों, .NET फ्रेमवर्क एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जिसमें कुछ कोडिंग होता है दोस्तों। यानी कि जब कोई माइक्रोसॉफ्ट के जब कोई डेवलपर सॉफ्टवेयर बना रहा था तो दोस्तों उन्होंने देखा कि सॉफ्टवेयर बनाते टाइम हर एक सॉफ्टवेयर में सेम कोडिंग को डालना पड़ रहा है। तो उन्होंने सोचा कि अलग अलग सॉफ्टवेयर में सेम कोडिंग को ना डालकर अगर हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर ही बना दें जिसमें वो कोडिंग पहले से ही हो और यूज़र को हम लोग बोल दें कि वो इस सॉफ्टवेयर को वो अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर ले, ताकि आगे जाकर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते टाइम इस कोडिंग का ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों, इसीलिए उन्होंने .NET फ्रेमवर्क को बनाया है और हम लोगों को बोल देता है कि इसको अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर ले, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर दोस्तों बाद में आएगा उसके लिए ये जो .NET फ्रेमवर्क है दोस्तों, ये ज़रूरत पड़ेगा। इससे .NET फ्रेमवर्क से बहुत बड़ा जो फ़ायदा होता है दोस्तों, वो है कि आपका कंप्यूटर बहुत फास्ट रहता है और बार बार सेम कोडिंग ना डालने पर सॉफ्टवेयर दोस्तों फास्ट ओपन होता है, फास्ट इंस्टॉल होता है दोस्तों, फास्ट काम भी करता है। तो दोस्तों, .NET फ्रेमवर्क का काम कुछ यही है दोस्तों। तो अभी हम लोगों को जानना है कि .NET फ्रेमवर्क डाउनलोड कैसे करते हैं। तो दोस्तों, डाउनलोड करना बहुत ही ईजी है, ये आपको फ्री में ही मिलेगा, क्योंकि ये तो माइक्रोसॉफ्ट का है और ये दोस्तों ज़रूरत की चीज़ है दोस्तों, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट आपको ये फ्री में ही दे देगा। तो दोस्तों, अगर आप विंडोज़ 7 यूज़ करते हैं तो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप विंडोज़ 8 यूज़ करते हैं तब भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर 10 के लिए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता कैसे चलेगा कि आपके कंप्यूटर पर .NET फ्रेमवर्क की ज़रूरत है या नहीं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि हर एक कंप्यूटर के लिए .NET फ्रेमवर्क ज़रूरत है। तो लेकिन दोस्तों, तब तक ना ज़रूरत होगा दोस्तों आपको, जब तक कोई सॉफ्टवेयर के लिए आपको .NET फ्रेमवर्क की मैसेज आएगा तब आपको पता चलेगा। मान लीजिए आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, जैसे कि कमतासिया वीडियो एडिटिंग, या फिर दूसरा कोई सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हैं, तब आपको दोस्तों एक मैसेज देगा दोस्तों। वो क्या मैसेज है आप इस स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप विंडोज़ 10 या फिर 7 या फिर 8 यूज़ करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन दोस्तों आ जाएगा। जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का मैसेज देगा कि एन ऐप ऑन योर पीसी नीड द फॉलोइंग विंडोज़ फीचर्स। यानी कि आपको ये जो .NET फ्रेमवर्क 3.5 है दोस्तों, तो आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो आपको इस तरह बता देगा कि आपके कंप्यूटर पर इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए ये सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आप जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रहे हैं दोस्तों, उसके वर्जन के ऊपर निर्भर करेगा कि आपके कंप्यूटर पर कौन सा .NET फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। फिलहाल तो अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं तो आपको 4.5 या फिर 4 वर्जन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और एक मज़े की बात है दोस्तों, आप अगर इंटरनेट कनेक्शन कर देते हैं तो दोस्तों आपको ऑटोमेटिकली इस तरह एक ऑप्शन दे देगा। उसके बाद दोस्तों आपको देखिए इधर एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड एंड इंस्टॉल दिस फीचर। तो आप इस पर क्लिक करके ऑटोमेटिकली जो .NET फ्रेमवर्क की ज़रूरत है दोस्तों, आपको उसका लिंक वो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर पर दोस्तों डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह भी आप अपने कंप्यूटर के लिए .NET फ्रेमवर्क डाउनलोड कर सकते हैं इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करके। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने पीसी पर रखेंगे कि बार बार आप जब फॉर्मेट करेंगे तो आप उसको सेम आप उसको जस्ट इंस्टॉल कर लेंगे, तो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको इंटरनेट से डाउनलोड करनी है .NET फ्रेमवर्क को, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, एक वेबसाइट पर आना होगा। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है दोस्तों। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाने के लिए आपको देखिए इधर एक वीडियो पर आई वीडियो के नीचे देखिए सी मोर ऑप्शन है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। आपको इस तरह इस जगह आपको एक लिंक मिल जाएगा इस वेबसाइट का, ठीक है। इस वेबसाइट का आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दोस्तों आपको पहले मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट पर आइए, उसके बाद आप थोड़ा नीचे आइए, ठीक है। तो इस बारे में हमने बता दिया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्लिक करना होगा .NET फ्रेमवर्क, ठीक है दोस्तों। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका सामने माइक्रोसॉफ्ट का दोस्तों एक वेबसाइट खुल जाएगा, ठीक है, .NET फ्रेमवर्क, ठीक है।
तो थोड़ा आप नीचे आइए दोस्तों, डाउनलोड डॉट नेट फ्रेमवर्क आपका एक ऑप्शन इधर मिल रहा है और आपको इधर कुछ डाउनलोड ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आपको इधर मिलेगा डाउनलोड डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.7 4.6.2, ठीक है। आपको डॉट नेट फ्रेमवर्क 4 3.5, अगर आपको और भी चाहिए तो आप मोर डॉट नेट फ्रेम डाउनलोड पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो मुझे दोस्तों 4 वर्जन डाउनलोड करनी है, तो मान लेता हूँ कि आपको 4.0 डाउनलोड करनी है, तो आप जस्ट इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका सामने एक न्यू पेज खुलेगा दोस्तों इस तरह, ठीक है। तो आप इस तरह लैंग्वेज इंग्लिश ही सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद डाउनलोड बटन पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो डाउनलोड बटन पर क्लिक करते ही दोस्तों आपका सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग। तो ऑटोमेटिकली आपका सामने दोस्तों डाउनलोड ऑप्शन दोस्तों इस तरह आ जाएगा, जिसका साइज इधर दिखा रहा है दोस्तों 868, ठीक है। तो ये KB है दोस्तों, क्योंकि ये ऑनलाइन इंस्टॉलर है। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको नेट कनेक्शन रखना पड़ेगा, उसके बाद दोस्तों ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होता रहेगा, उसके बाद दोस्तों ये इंस्टॉल भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप आसानी से .NET फ्रेमवर्क को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक ध्यान रखना होगा कि आपके कंप्यूटर पर कौन सा .NET फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, 4.5 या 4 या 3.5। तो जिसका ज़रूरत है दोस्तों आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो मैंने पहले ही बता दिया कि कैसे आपको पता चलेगा कि .NET फ्रेमवर्क वर्जन आपको कंप्यूटर पर कौन सा ज़रूरत है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो था ऑनलाइन आपको डाउनलोड करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि ऑफलाइन डाउनलोड करके रखेंगे आपके विंडोज़ पर, जैसे कि ये दोस्तों है दोस्तों ये ऑफलाइन इंस्टॉलर है, ठीक है। तो अगर आपको देखिए, अगर आपको मैंने इधर बता दिया है, देखिए इधर हमने आपको बता दिया है कि .NET फ्रेमवर्क के वन वर्सन से लेकर 4 वर्सन तक विंडोज़ 98 एंड विंडोज़ XP के लिए ज़रूरत होता है, ठीक है दोस्तों। और .NET फ्रेमवर्क के बाकी जो सभी वर्सन हैं, जैसे कि विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, ये दोस्तों 4.5 4.7 ये ज़रूरत पड़ता है दोस्तों। तो आप उस हिसाब से डाउनलोड कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों थोड़ा नीचे आपको मिल जाएगा .NET फ्रेमवर्क 1 वर्सन की डाउनलोड लिंक, ठीक है। आपको .NET फ्रेमवर्क 1.1 2 3 3.5 4.5.1 4.5.2, तो आपको ये सभी दोस्तों डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपको जो वर्सन डाउनलोड करना है आप इस तरह चेक कर लीजिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए ब्लू कलर का लिंक है, आप इसको इस तरह सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों इसको इस तरह कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद न्यू टैब पर जाकर आप पेस्ट करके इसको सर्च कीजिए, तो आपका सामने दोस्तों इस तरह की जिप शेयर को वेबसाइट खुल जाएगा, ठीक है। तो आपको डाउनलोड नाउ बटन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो डाउनलोड नाउ बटन पर क्लिक करते दोस्तों आपका सामने इस तरह डाउनलोड ऑप्शन आ जाएगा, जो दोस्तों ऑफलाइन इंस्टॉल होगा। आपको इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट डाउनलोड करके आप कभी भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह भी आप इसका जो डाउनलोड है दोस्तों वो करके अपने कंप्यूटर पर रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया कि .NET फ्रेमवर्क क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है और इसको इंटरनेट से डाउनलोड कैसे करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी हेल्प हुआ है तो प्लीज़ हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई भी सवाल या फिर सुझाव देनी है तो आप कमेंट करके दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको इसी तरह के वीडियो फ्यूचर में पानी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक्स।